नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आरजी जी कॉन्सर्ट में। तो मित्रों, राजस्थान के इतिहास में, मेवाड़ का इतिहास अपने कंप्लीट हो चुका है। उसके कुछ क्वेश्चन, कुछ पिछले सालों के जो आए हुए प्रश्न है, वो मैं अगली एक क्लास में, एक आध क्लास में लेकर आऊंगा आपके लिए। तो आज अपन शुरुआत करते हैं मारवाड़ के इतिहास की। तो चलिए देखते हैं मारवाड़ का इतिहास। मारवाड़ का इतिहास, प्राचीन रियासत मारवाड़। अब इस रियासत के इतिहास, राजाओं के शासनकाल को पढ़े उससे पहले अपन ये देखते हैं कि प्राचीन काल के सापेक्ष, प्राचीन काल में मतलब रियासती काल में जो एक रियासत थी, एक राजवंश था मारवाड़ पर जिसका अधिकार था, वर्तमान सापेक्ष में उस मारवाड़ में कौन कौन से जिले आते हैं। तो जिले देखिए आप, वर्तमान में जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जालोर, पाली, किशनगढ़, तो प्राचीन मारवाड़ रियासत को अगर वर्तमान सापेक्ष में देखें तो उसमें ये जिले सम्मिलित हैं, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जालोर, पाली और किशनगढ़। ये आते हैं अपने प्राचीन मारवाड़ रियासत में। अब देखें तो जब मारवाड़, ये जो अपने जिले हैं मारवाड़ रियासत, मारवाड़ रियासत में राठौड़ वंश की स्थापना से पहले, मारवाड़ के राठौड़ों के इतिहास हम पढ़ रहे हैं, इनके शासनकाल से पहले 6वीं से 12वीं शताब्दी तक यहाँ शासनकाल था गुजर प्रत्यारों का, जिनका अपन आगे देखेंगे भी पूरा गुजर प्रत्यार वंश। तो गुजर प्रत्यारों के शासनकाल में मारवाड़ के इस हिस्से को कहा जाता था गुजरात्रा। तो अच्छा क्वेश्चन है और आने लायक भी है ये। गुजर प्रत्यारों के शासनकाल में मारवाड़ को गुजरात्रा कहा जाता था। गुजरात्रा, गुजर प्रत्यारों के शासनकाल में। अब देखें तो मारवाड़ के राठौड़ों की उत्पत्ति से संबंधित मत, तो मारवाड़ के राठौड़ों की उत्पत्ति से संबंधित दो फेमस मत है, प्रसिद्ध मत है। पहला मत तो दिया मोनोत नैण सिंह ने। मोनोत नैण सिंह मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी थे। तो उन्होंने, मोनोत नैण सिंह ने बताया कि कन्नौज के शासक जयचंद गैडवाल, ये जयचंद गैडवाल वही थे जिसका 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था मुहम्मद गोरी से, और उस युद्ध में जयचंद गैडवाल मारा गया था। जयचंद गैडवाल की पुत्री सहयोगिता से ही चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय का विवाह हुआ था। तो मोनोत नैण सिंह का अनुसार, मोनोत नैण सिंह ने कहा कि मारवाड़ के राठौड़ कन्नौज के शासक जयचंद गैडवाल के वंशज है, क्योंकि 1194 ईस्वी में जयचंद गैडवाल की चंदावर के युद्ध में मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद उसी के वंशज राव सिया मारवाड़ के आसपास पाली, मारवाड़ के आसपास एरिया पाली के आसपास अपने राजवंश, राठौड़ राजवंश की स्थापना करते हैं। ये मत दिया मोनोत नैण सिंह ने, और इस मत का समर्थन किया कर्नल टोड और पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदई ने। तो मत मोनोत नैण सिंह का था, जिसमें मोनोत नैण सिंह ने बताया कि मारवाड़ के राठौड़ कन्नौज के शासक जयचंद गैडवाल की संतान है, जयचंद गैडवाल के वंशज है, और इस मत का समर्थन किया कर्नल टोड और पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदई ने। अब दूसरा मत दिया डॉक्टर होनली ने, डॉक्टर होर्नली। डॉक्टर होर्नली के अनुसार मारवाड़ के राठौड़ बदायूं के राठौड़ों के वंशज है। अब इस मत का समर्थन किया था डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने, जबकि अपन विपरीत पढ़ते हैं कि डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने एक मत दिया कि मारवाड़ के राठौड़ बदायूं के राठौड़ों के वंशज है, जबकि ये मत दिया था डॉक्टर होर्नली ने, और समर्थन किया था इस मत का डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। तो देखते हैं, उत्पत्ति से संबंधित मत, उत्पत्ति से संबंधित मत, राठौड़ों की उत्पत्ति से। तो राठौड़ों की उत्पत्ति से संबंधित मत दो फेमस मत है, डिस्कस अपन ने कर लिया। तो अब देखते हैं, पहला मत है अपने मूणोत नैणसी,
मूणोदी के अनुसार जयचंद गहडवाल के वंशज है। तो मूणोद नैणसी के अनुसार कन्नौज के शासक जयचंद गहडवाल के वंशज है, मारवाड़ के राठौड़। अब इस मत का समर्थन इसी मत का समर्थन किया था कर्नल टोड व पृथ्वीराज रासो ने। तो पृथ्वीराज रासो पुस्तक और कर्नल टोड, इन दोनों में इस मत का समर्थन किया था मूणोद नैणसी के। दूसरा मत था मार डॉक्टर होनली ने। होनली के अनुसार डॉक्टर होनली के अनुसार मारवाड़ के राठौड़ बदायूं के राठौड़ों के वंशज है। अब इस मत का समर्थन किया था प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। गौरी शंकर हीराचंद ओझा तो ये है अपने मारवाड़ के राठौड़ों की उत्पत्ति से संबंधित दो महत्वपूर्ण कथन, दो महत्वपूर्ण सिद्धांत कथन कह दो आप, जो मूणोद नैणसी और डॉक्टर होनली ने दिए थे। तो इसके बाद अपन देखते हैं मारवाड़ के राठौड़ वंश के शासकों के बारे में। राव सिहा, राव सिया मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का संस्थापक था। मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का संस्थापक राव सिया था। बिठू गांव, एक अभिलेख है देवल अभिलेख जो बिठू गांव पाली में स्थित है वर्तमान में, उस अभिलेख के अनुसार कुंवर सेतराम का पुत्र था राव सिया और इसने पाली के आसपास के प्रदेश में राठौड़ राजवंश की स्थापना की थी और इसकी मृत्यु 1273 ईस्वी में पाली प्रदेश की रक्षा मुसलमानों के विरुद्ध करते हुए हो गई थी। इसी शिलालेख के अंतर्गत, देवल अभिलेख के अंतर्गत इसकी पत्नी का नाम पार्वती था और वो सोलंकी वंश की राजकुमारी थी। तो देखिए आप, राठौड़ राजवंश का प्रवर्तक देवल अभिलेख अभिलेख वर्तमान में बिठू गांव पाली में स्थित है। इस अभिलेख में यह घटना वर्णन है, पिता थे, इस अभिलेख में यह वर्णन दिया हुआ है कि राव सिया के पिता का नाम था कुंवर सेतराम। तो राव सिया के पिता का नाम था कुंवर सेतराम और 1273 ईस्वी में पाली की रक्षा पाली प्रदेश की रक्षा मुसलमानों के विरुद्ध करते हुए शहीद हुए। तो 1273 ईस्वी में पाली प्रदेश की, जहां इन्होंने पाली के आसपास एरिया में इन्होंने राठौड़ राजवंश की स्थापना की थी, तो उसी प्रदेश की रक्षा ये मुसलमानों के विरुद्ध कर रहे थे और उस दौरान ये शहीद हुए। अब इसी अभिलेख में इनकी रानी पार्वती, जिसका नाम था वो सोलंकी वंश की राजकुमारी थी, उसका नामकरण दिया हुआ है पत्नी पार्वती
सोलंकी वंश की राजकुमारी के लिए। तो ये है अपने राव सिया के बारे में, मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का संस्थापक राव सिया। देउल अभिलेख जो बीटू गांव पाली में स्थित है, ये राव सिया से संबंधित है और 1273 ईस्वी में पाली प्रदेश की रक्षा करते हुए ये मुसलमानों को विरुद्ध कर रहे थे, उस दौरान ये शहीद हुए थे और इनकी रानी का नाम था पार्वती जो सोलंकी वंश की राजकुमारी थी। उसके बाद देखिए आप राव दूहड़। राव दूहड़ के बारे में एक ही घटनाक्रम, एक ही अच्छा क्वेश्चन बनने लायक है कि इन्होंने अपने शासनकाल में, ये अपने शासनकाल में कर्नाटक से नागनेची माता की मूर्ति मारवाड़ लेकर आए थे। तो कर्नाटक से नागनेची माता की, नागनेची माता जो मारवाड़ के राठौड़ राजवंश कुलदेवी है, तो मारवाड़ के राठौड़ राजवंश कुलदेवी नागनेची माता की मूर्ति कर्नाटक से राव दूहड़ लेकर आए थे। ये कर्नाटक से नागनेची माता की मूर्ति लेकर आए थे। मूर्ति मारवाड़ लेकर आए। तो ये है अपने राव दूहड़ से संबंधित। अब राव दूहड़ के बाद वीरमदेव शासक बनते हैं। वीरमदेव के पुत्र का नाम होता है राव चुंडा। तो राव चुंडा राव वीरमदेव के पुत्र थे। अब राव चुंडा के शासनकाल में इंदा परिहारों ने मंडोर दुर्ग इन्हें राव चुंडा को दहेज में दिया था और मंडोर को राठौड़ राजवंश की राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक राव चुंडा था। देखिए आप राव चुंडा राव वीरमदेव का पुत्र था। ये वीरमदेव का पुत्र इंदा परिहारों ने मंडोर राव चुंडा को दहेज में दिया मारवाड़ के पहले शासक या राठौड़ वंश के पहले शासक जिन्होंने मंडोर को राठौड़ राजवंश की राजधानी बनाया। तो ये था अपने राव चुंडा से संबंधित। अब देखिए राव चुंडा के दो पुत्र थे, राव कानड़देव और राव रणमल। अब रणमल बड़ा था और कानड़देव छोटा था, परंतु राजपूत परंपरा के हिसाब से तो शासक बनना चाहिए थे राव रणमल, परंतु राव चुंडा ने अपने छोटे पुत्र राव कानड़देव को भावी शासक घोषित किया था और रणमल को एक जागीर दी थी, जोजावर की जागीर। फिर से कह रहा हूं मैं कि राव रणमल को राव चुंडा ने एक जागीर दी थी, उस जागीर का नाम था जोजावर की जागीर और शासक बनाया था अपने छोटे पुत्र कानड़देव को। तो अब राव रणमल को जब शासक नहीं बन पाते, फिर आगे चलकर राव कानड़देव शासक बनते हैं और कानड़देव के शासनकाल में ही राव रणमल अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से करते हैं। उसका अपन मेवाड़ के इतिहास में वो पूरा विवाह देख चुके हैं और 1426 ईस्वी में फिर राव रणमल मेवाड़ की सेना की सहायता से 1426 ईस्वी में मारवाड़ पर आक्रमण करते हैं और कानड़देव को हराकर मारवाड़ पर अधिकार कर लेते हैं। तो 1427 से 1438 ईस्वी तक मारवाड़ पर राव रणमल का अधिकार होता है और फिर 1438 ईस्वी से लेकर 1453 ईस्वी तक जब रणमल की हत्या मेवाड़ में राणा कुंभा के द्वारा करवा दी जाती है, तो फिर 1438 से लेकर 1453 ईस्वी तक मारवाड़ पर अधिकार करने के लिए संघर्ष रहता है राव रणमल का पुत्र राव जोधा और 1453 ईस्वी में फिर वह
उसकी स्थिति पक्की हो पाती है राव जोधा की मारवाड़ पर, वो भी आउल बाउल की संधि के बाद। तो देखिए आप, राव चुंडा के दो पुत्र थे, रणमल तथा कानरदेव। ये छोटा था और ये बड़ा। अब देखिए, राव चुंडा रणमल को जोजावर की जागीर देता है। और ये शासक बनता है आगे चलकर। तो आगे चलकर शासक बनते हैं कानरदेव। अब देखिए आप राव रणमल के बारे में। रणमल, इनका शासनकाल देख लो आप, 1436 से 1438 ईस्वी तक। अब 1426 ईस्वी में, 1426 में मेवाड़ की सेना की सहायता से, मारवाड़ पर अधिकार करता है। फिर रणमल से संबंधित रणमल की हत्या कुंभा ने करवाई थी 1438 ईस्वी में। वो घटनाक्रम अपन मेवाड़ के इतिहास में पढ़ चुके हैं। तो 1438 ईस्वी में राणा कुंभा रणमल की हत्या करवा देते हैं। अब रणमल की जब 1438 ईस्वी में हत्या हो जाती है, तो फिर उसका बेटा राव जोधा 1438 से लेकर 1453 ईस्वी तक मारवाड़ पर अधिकार करने के लिए संघर्ष रहता है। परंतु 1438 से 1453 ईस्वी तक मेवाड़ का अधिकार रहता है मारवाड़ पर। अब देखिए आप राव जोधा, राव जोधा का शासनकाल 1453 से 1499 ईस्वी के मध्य था। तो यही कारण है, देखिए रणमल की हत्या 1438 ईस्वी में कर दी जाती है और राव जोधा मारवाड़ के शासक बनते हैं 1453 ईस्वी में। तो फिर इसीलिए 1438 से 1453 ईस्वी के मध्य का जो काल है ना, जो अवधि, इस अवधि के दौरान राव जोधा संघर्षरत रहते हैं मारवाड़ पर अधिकार के लिए। और फिर 1453 ईस्वी में एक संधि होती है आउल बाउल की संधि। उस संधि के तहत, वो संधि होती है मेवाड़ के राणा कुंभा और मारवाड़ के राव जोधा के मध्य। और उस संधि के तहत राव जोधा अपनी बेटी श्रृंगार देवी का विवाह राणा कुंभा के छोटे पुत्र रायमल से करते हैं। और इसी संधि के में मध्यस्थता की थी हंसाबाई ने। और इस संधि के बाद ही मारवाड़ पर वास्तविक अधिकार हो पाया राव जोधा का। राव जोधा 1453 से 1499 ईस्वी आवल बाउल की संधि। आवल बावल की संधि ये संधि होती है 1453 में। अब देखिए ये संधि होती है, संधि राणा कुंभा फिर राव जोधा के मध्य होती है। ये संधि होती है राणा कुंभा और राव जोधा के मध्य। अब देखिए आप, मध्यस्थता इस संधि में मध्यस्थता करती है हंसाबाई। राव जोधा
अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह राणा कुंभा के छोटे पुत्र रायमल से करते हैं। श्रृंगार देवी का विवाह राणा कुंभा के पुत्र रायमल से करते हैं। तो ये होता है राहुल बाबू की संधि के तहत, संधि 1453 में कुंभा और जोधा के मध्य, मध्यस्थ हंसाबाई करती है। जोधा अपनी बेटी श्रृंगार देवी का विवाह रायमल से करता है जो कुंभा का पुत्र होता है। अब जब 1453 ईस्वी में राव जोधा का अधिकार हो जाता है मारवाड़ पर, तो फिर आगे चलकर 12 मई 1459 ईस्वी को मारवाड़ की राजधानी, मारवाड़ के राठौर राजवंश की राजधानी ये जोधपुर को घोषित करते हैं। और इस राजधानी की रक्षा के लिए चिड़ियाटूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना करते हैं 1459 ईस्वी में। इसके बाद इनके शासनकाल में इन्होंने बेलोल खां लोधी के उत्तराधिकारी सारंग खां को ये पराजित करते हैं। इन्हीं के शासनकाल में इनका पुत्र बीका मारवाड़ राठौर राजवंश की स्थापना बीकानेर में करता है। तो देखिए आगे आप, अपनी नई राजधानी में जोधपुर को घोषित करता है। और राजधानी की सुरक्षा के लिए, राजधानी की सुरक्षा के लिए चिड़ियाटूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाता है। तो 1459 ईस्वी में अपनी नई राजधानी राव जोधा जोधपुर को घोषित करता है और उसी राजधानी की रक्षा के लिए चिड़ियाटूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाता है। अब राव जोधा का बड़ा पुत्र होता है राव बीका। तो राव जोधा राव बीका को अपने शासनकाल के दौरान ही उसे ये बता ही देते हैं कि भैया आपको भावी शासक नहीं बनाया जाएगा, जबकि उसके बदले आप कुछ भी मुझसे मांग सकते हो। तो राव फिर बीका जी इनसे मारवाड़ के जो राजकीय चिन्ह होते हैं, जैसे कि चामुंडा नागनेची माता की तस्वीर है जो, और उसके अलावा जो राजकीय तलवार है इनकी, ये दो चीज़ें उनसे मांगते हैं और इस चीज़ में हामी भी भरते हैं राव जोधा। फिर अपन आगे पढ़ेंगे कि जोधा के बाद राव सातल और सूजा के शासनकाल में फिर राव बीका सेना सहित आक्रमण करते हैं सूजा पर और फिर वो राजकीय चिन्ह लेके जाते हैं। फिर राव जोधा के शासनकाल में बीका ने बीकानेर में राठौर राजवंश की स्थापना की। फिर इन्होंने बेलोल खां लोधी के पुत्र सारंग खां को पराजित किया। बेलोल लोधी के उत्तराधिकारी सारंग खां को पराजित किया। सारंग खां को पराजित किया। अब इन्होंने अपने शासनकाल में काशी और प्रयाग की भी यात्रा की थी। वो तथ्य ऐसा विशेष भी नहीं, उसे आने लायक किस्म भी नहीं है। तो 1499 ईस्वी में राव जोधा की मृत्यु हो जाती है। अब राव जोधा की मृत्यु 1499 ईस्वी होती है, उसके बाद 1499 से 1492 ईस्वी के मध्य शासनकाल रहता है राव सातल का। 1499 से 1492 ईस्वी में राव सातल शासन करते हैं मारवाड़ पर। अब राव सातल देव के शासनकाल में ही अजमेर का हकीम 1490 ईस्वी में गुड़ले खां मल्लू खां पिपाड़ के आसपास में कुंवरी कन्याओं को उठाकर ले जाता है अजमेर की तरफ।
तो फिर उसी शासन उनको जब इस घटना की जानकारी मिलती है तो राव साता सेना से जाते हैं और पिपाड़ के आसपास जो युद्ध होता है उस युद्ध में मलूक खां हार जाता है और उसका सेनापति गुडले खां मारा जाता है। और फिर गुडले खां के सर को लेकर वो जो नवविवाहित नहीं कुंवारी कन्याएं थी वो उसके सर को एक थाली में सजा कर घर घर ले जाकर घूमती है। और उसी घटना के कारण मारवाड़ में एक त्यौहार मनाया जाता है गुल्ला अष्टमी, जो चैत्र कृष्णा अष्टमी को प्रारंभ होता है उससे लेकर चैत्र कृष्णा अष्टमी से लेकर चैत्र शुक्ला तृतीया तक चलती है गुल्ला अष्टमी। राव सातल चौदह सौ 1992 से 1492 इन्होंने अपने नाम से एक नगर बसाया था सातलमेर। सातलमेर बसाया। दूसरा इनके बारे में 1490 ईस्वी में अजमेर के हाकिम मुलुक खां ने कुंवारी कन्याओं को बंदी बना लिया। राव सातल ने पिपाड़ के पास, वर्तमान सापेक्ष में पिपाड़ का एरिया था, पिपाड़ के पास मल्लू खां से युद्ध किया। इस युद्ध में सातल विजय होते हैं। सेनापति गुडले खां मारा जाता है। अब इसी घटना कारण मारवाड़ में एक त्यौहार मनाया जाता है गुडलाष्टमी। इसी घटना के कारण मारवाड़ में गुडलाष्टमी मनाई जाती है। तो ये था अपने राव सातल के शासनकाल से संबंधित, इन्होंने सातलमेर बसाया और 1490 में 90 ईस्वी में अजमेर का हाकिम मलूका खान ने जब कुंवारी कन्याओं को बंदी बना लिया तो उन्हें छुड़वाने के लिए पिपाड़ के पास इन्होंने मलू खान से युद्ध किया। उस युद्ध में मलू खान हार जाता है और उसका सेनापति गुडले खान मारा जाता है। इस घटना के कारण ही मारवाड़ में गुडलाष्टमी मनाई जाती है जो चैत्र कृष्ण अष्टमी से प्रारंभ होती है और चैत्र शुक्ला तृतीया तक चलती है। इसके बाद शासक बनते हैं राव सूजा, जिसके शासनकाल में राव बीका आक्रमण करते हैं मारवाड़ पर और आक्रमण को करने का कारण था राव बीका राज की चीनी लेने के लिए आए थे, जिसकी जबान दी थी इनके पिता राव जोधा ने। फिर माता जसमा दे भटियाणी इनके मध्य मध्यस्थता करती है और राव बीका को मारवाड़ के राज की चीनी देती है। उसके बाद इस विवाद को समाप्त किया जाता है। तो नेक्स्ट दोस्तों अपन अगली क्लास में देखेंगे।